द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को कब पुकारा? पहले पुकारा बाहर से, मैंने पहले संसार के ऊपर भरोसा रख करके उनको पुकारा, सबकी ओर आशा से निहारा, ये मदद में आएंगे, ये मदद में आएंगे, ये मदद में आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सब जब भी कोई ऐसी परिस्थिति जीवन में आए तो संसार के लोगों से आशा ना किया करना। जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आए तो गुरु के चरणों में बैठ करके बस गुरु पे आस, गुरु पे विश्वास, उनसे ही कह लिया करना। तो आर्त भाव से भगवान को हम जिस भाव से पुकारते हैं, द्रौपदी ने आर्त भाव से पुकारा तो द्रौपदी को जिस समय की जिस चीज की आवश्यकता थी जिस सहायता के लिए, तो भगवान वस्त्र रूप में ही आ गए। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वस्त्र रूप में आ गए, वस्त्र अवतार। ऐसी हम सबके जीवन में कभी भी कुछ भी परिस्थिति आए तो हम बस भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु की शरण में चले जाएं। अखियों में नमी सी हो, दिल बैठा हो हार के चारों तरफ से, जब कुछ ना समझ आए तो बस कहना प्रभु गुरुदेव बस अब आप ही नजर आ रहे हो, बस वही नजर आए। गुरुदेव से हम गुरुदेव को ही मांगते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम तुमको मांगते हैं। बापू जी हमें आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव को हृदय से पुकारते जाना, निःशब्द की जो पुकार है ना वो शब्दों से कहीं बहुत ऊंची होती है। शब्द तो शब्दों की पहुंच बहुत छोटी होती है, लेकिन जब साधक निःशब्द में हृदय में उतर करके उन सदगुरु को याद करते करते जब भाव में आता है और उसके हृदय से जो पुकार उठती है ना वो सीधे हमारे गुरुदेव तक पहुंचती है। कीड़ी के पग नेवर बाजे, मां को भी प्रभु सुनत है, तो क्या प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे। इसलिए पुकारते जाना, हम नहीं छोड़ के दर जाने वाले, भक्ति जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं गुरु दरिया तुमने दिया है दर्द साई, तुमने दिया है दर्द साई, तुम ही दबा देना, सिखाया है अपने में मिला लेना।
होते जाना। मतलब तुम्ही से है मुझे, दुनिया से क्या है लेना, मेरे साईं ने सिखाया है अपने में मिला लेना। पुकारते जाना, हे गुरुदेव, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए पल, कोई लौटा दे मुझे मेरे वो प्यारे प्यारे पल। हे सद्गुरुदेव, वो प्यारे प्यारे पल, वो मधुर मधुर क्षण, वो आपका व्यासपीठ पे आना, वो मधुर मुस्कान सब भक्तों पे बिखेरना, वो मधुर मधुर सी धुन, वो मधुर मुस्कान, वो ध्यान, वो हंसना, वो रोना, वो प्यारे प्यारे पल, वो प्यारे प्यारे क्षण, फिर से आ जाए हमारे जीवन में। प्रार्थना करते जाना, बोल करना ही शांत भाव से, शांत हृदय से। हे गुरुदेव, हे सच्चे साईं, हे बापू जी, आप ही लौटा सकते हो हमें, कोई और नहीं, आप ही। हमारे वो प्यारे प्यारे क्षण, वो प्यारे प्यारे पल, कोई नहीं दुनिया में। आपने अपनी आदत लगाई है, संसार की बुरी आदत पड़ती है, नश्वर की तरफ ले जाती है। लेकिन गुरुदेव से लगन लगती है तो, गुरुदेव से प्रेम होता है तो वो शाश्वत की तरफ ले जाता है। संसार का प्रेम नश्वर की तरफ, और सदगुरु से प्रेम वो शाश्वत की यात्रा करा। गुरुदेव के सिर चरणों में ये प्रार्थना करें कि हमारे गुरुदेव जल्दी से मोटेरा की व्यासपीठ पर विराजमान हो जाए, हमारे बापूजी हम सबके बीच में जल्दी से आ जाए। कब होगा सब पहले जैसा, मैं कब मोटेरा जाऊंगा, कब होगा सब पहले जैसा, कब मोटेरा जाऊंगा। हाँ कर तेरे दर पे आकर तेरे दर पर गुरुवर, तेरा दर्शन पाऊंगा। कब होगा सब पहले जैसा मैं, कब मोटेरा करते जाओ।
अर्थ भाव से। आके जिसके आके जिसके द्वारे पे गुरुवर झुकता था संसार खड़ा, मैं हूँ यहाँ पुकार रहा है लाल तेरा। तेरे दर की चढ़कर सीढ़ियां में कब तेरा दर्शन पाऊंगा, कब होगा सब पहले जैसा मैं कब मोटेरा। पूज्य बापू जी कहते हैं, से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता मेरा हृदय है। ऐसे हम सब साधक जो गुरुदेव से प्रेम करते हैं सच्चा, जो गुरुदेव से सच्चा नेह लगाए हैं, ऐसे सच्चे साधक गुरुदेव के हृदय में बसते हैं। और गुरुदेव कहते हैं, ऐसे साधक मेरे हृदय है, भक्त को और क्या चाहिए, शिष्य को और क्या चाहिए, साधक को और क्या चाहिए। तुझे चाहने वालों को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वालों को राहत ना रहे कोई, तुझे चाह के भुला दे वो इंसान किधर जाए, तुझे पाके भूल जाए वो किधर जाए। मुझे तेरा सहारा है गुरुदेव, मैं और किधर जाऊं, कहां पुकारूं, किससे कहूं, तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं। पत्रकार ने पूछा था, बापू आप कुछ संदेश देना चाहते हैं अपने भक्तों को? सिर्फ इतना ही पूछा और हमारे गुरुदेव का गला भर आया था, आंखें नम हो गई थी और कंठ रुंध गया था, और रुंधे हुए कंठ से गुरुदेव ने सिर्फ इतना ही कहा था, नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ कहूंगा तो मेरे भक्तों को पीड़ा होगी। ऐसे बापू जी जो स्वयं तो कष्ट सह लेते हैं लेकिन अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते, खुद पीड़ा सह लेते हैं लेकिन साधकों को भक्तों को कोई पीड़ा ना हो, कोई कष्ट ना हो, इसलिए बहुत सारी पीड़ाओं को छुपा लेते हैं। ऐसे हम बापू जी को नहीं चाहते। वो बापू जी ने हम सब के लिए अपना ध्यान, अपनी समाधि सब कुछ छोड़ करके हमारे लिए, उनका स्वभाव है बरसना, दुख हरी हरी का स्वभाव है, कष्ट में पीड़ा में संसार में बह रहे जीवों को करुणा करके कृपा करके आए हैं वो, इसीलिए इस धरा पर। तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में है, परमारथ के कारण चारों दरिया दे है। हमारे सदगुरु जी आए हैं भक्तों की पीड़ा, भक्तों की कष्ट हरने के लिए, स्वयं कष्ट सह लेते। कोई धूप में खड़ा होता है तो बापूजी को वो भी बहुत खलता है कि बेचारे को धूप लग रही होगी, बेचारे को प्यास लग रही होगी,
माँ भी इतना ख्याल नहीं रखती, पिता भी इतना ख्याल नहीं रखते जो गुरु रखते हैं और आज भी रखते हैं। कैसी माओं हैं, कैसा हृदय है हमारे गुरुदेव का। किसी भक्त ने गाया कि लखा गहरे समंदर एक पासे, इंदी दिल दा किनारा एक पासे, सारी जगदियां खुशियां एक पासे, मेरे गुरु जी प्यारा एक पासे। हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, उस पूनम का इंतजार कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि गुरुदेव व्यासपीठ पर आ जाए। राह तके राह तके उस पूनम की हम वो बेला कब आएगी, राह तके राह तके उस पूनम की वो बेला कब आएगी, कैसे होगा कैसे होगा गुरु मिलन फिर आंखें भी भर आई है, तू ही आ जा तू ही आ जा सतगुरु प्यारे, काहे को देर लगाई है, कब होगा सब पहले जैसा मैं, कभी मोटेरा आऊंगा। पता है सब ठीक होगा एक ना एक दिन, इसी आस और विश्वास से हम सब साधक राह तक रहे हैं अपने गुरुदेव की। सब कुछ होगा सब कुछ होगा ठीक पता है, ये वक्त भी ढल जाएगा, सतगुरु प्यारा सतगुरु प्यारा आकर मेरे सिर पे हाथ घुमा, दर पे तेरे दर पे तेरे आकर सतगुरु मैं विश्वास जगाऊंगा। कब होगा सब पहले जैसा, कब मोटेरा आऊंगा, आकर तेरे दर पर सतगुरु तेरा दर्शन पाऊंगा, कब होगा सब पहले जैसा, कब मोटेरा